नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के भूतपूर्व गेंदबाज करसन घावरी के बारे में। उनका पूरा नाम करसन देवजी भाई घावरी है। उनका जन्म 28 फरवरी 1951 को राजकोट गुजरात में हुआ। वह बाएं हाथ के तेज मध्यम गति के गेंदबाज थे। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 27 दिसंबर 1974 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कलकत्ता में खेला। इस मैच में उन्होंने पहली पारी में 7 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट और दूसरी पारी में 7 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट लिए था। यह मैच भारत 85 रन से जीत गया था। उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर का श्रेष्ठ प्रदर्शन 1978 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किया। वेस्ट इंडीज़ की टीम तब 6 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने भारत आई थी। घावरी ने इस सीरीज में 6 मैच खेले, जिसमें 23.48 की औसत से 27 विकेट लिए और वह सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उनके इस शानदार प्रदर्शन की मदद से भारत यह सीरीज 1-0 से जीत गया था। उन्होंने नवंबर 1979 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई टेस्ट में 99 गेंद में 86 रन बनाए थे, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ये उनके टेस्ट क्रिकेट करियर की सबसे शानदार पारी थी। ये मैच भारत 1 पारी और 100 रन से जीत गया था। उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में 39 मैच खेले, जिसकी 69 पारी में 33.54 की औसत और 63.38 के स्ट्राइक रेट से 109 विकेट लिए, जिसमें 4 बार 5 विकेट शामिल है, और उनका श्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन 33 रन देकर 5 विकेट रहा। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 57 पारी में 21.23 की औसत और 58.38 के स्ट्राइक रेट से 913 रन भी बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल है, और उनका सर्वाधिक स्कोर 86 रन का रहा। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 6 मार्च 1981 को न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेला। इस मैच में उन्होंने पहली पारी में 10 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट लिया था और दूसरी पारी में उनको गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था। यह मैच ड्रॉ रही थी। उन्होंने अपना पहला वनडे मैच 7 जून 1975 को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला, जो विश्व कप में भारत का पहला ही मैच था। उन्होंने इस मैच में 11 ओवर में 83 रन दे दिए थे और उनको एक भी सफलता नहीं मिली थी। यह मैच इंग्लैंड 202 रन से जीत गया था। उन्होंने अपने वनडे क्रिकेट करियर में 19 मैच खेले, जिसकी 19 पारी में 47.2 की औसत और 68.87 के स्ट्राइक रेट से 15 विकेट लिए और उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन 40 रन देकर 3 विकेट रहा। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 16 पारी में 11.4 की औसत से 114 रन भी बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 20 रन का रहा। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच 15 फरवरी 1981 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में खेला। उन्होंने इस मैच में 10 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट लिए थे। यह मैच न्यूजीलैंड 57 रन से जीत गया था। उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर 1974 से 1981 तक 7 साल का रहा। वो भारत की ओर से 2 विश्व कप 1975 और 1979 का खेले हैं। वो अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में मुंबई और सौराष्ट्र की ओर से खेले हैं। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में 159 मैच खेले, जिसमें 29.01 की औसत से 452 विकेट लिए, जिसमें 21 बार 5 विकेट और 1 बार 10 विकेट शामिल है, और उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन 34 रन देकर 7 विकेट रहा। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 205 पारी में 28.66 की औसत से 4500 रन भी बनाए हैं, जिसमें 24 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है,
और उनका सर्वाधिक स्कोर 102 रन का रहा। उन्होंने अपने लिस्ट या क्रिकेट करियर में 43 मैच खेली, जिसमें 31.51 की औसत से 47 विकेट लिए, जिसमें एक बार 5 विकेट शामिल है, और उनका श्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन 24 रन देकर 6 विकेट रहा। उन्होंने लिस्ट या क्रिकेट में 30 पारी में 10.85 की औसत से 228 रन भी बनाए हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही दूसरे क्रिकेटरों की महत्वपूर्ण बातें और रिकॉर्ड जानने के लिए हमारी चैनल पर बने रहिए और हमारी चैनल क्रिक टुडे को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।